नाथ नगरी में राम नवमी और दशहरा त्योहार के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। इस मार्च की अगुवाई मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल, एडीजी जॉन रमेश शर्मा, आईजी डॉक्टर राकेश सिंह, एसएसपी अनुराग आर्या और एसपी सिटी मानुष पारेख ने की। फ्लैग मार्च बरेली कोतवाली से शुरू होकर कुतुबखाना, बड़ा बाजार, किला और अलखनाथ मंदिर होते हुए निकला। पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स और क्यूआरटी फोर्स भी मार्च में शामिल रहे। एडीजी जॉन रमेश शर्मा ने बताया कि इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य त्योहारों के दौरान लोगों में सुरक्षा का माहौल बनाना है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कोशिश है कि शहर में शांति और सद्भावना बनी रहे, जिससे नागरिकों को सुरक्षा का एहसास हो सके। मार्च के दौरान अधिकारियों ने लोगों से संवाद किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि प्रशासन उनकी सुरक्षा के लिए सजग है। इस दौरान सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था, जिससे शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सके। फ्लैग मार्च किया जा रहा है, उसके बारे में बताएं। आज आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जनपद बरेली में सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों के द्वारा फ्लैग मार्च करी जा रही है, जिससे कि पब्लिक में कॉन्फिडेंस रहे और अमन चैन का एक संदेश पब्लिक के बीच में जाए। सर, आने वाला समय त्योहारों का है, दशहरा है, नवमी है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए फ्लैग मार्च जी जो आगामी त्यौहार है, इसमें शहर में शांति बनी रहे और ये सब लोगों में कॉन्फिडेंस रहे कि पुलिस प्रशासन सदैव उनके साथ खड़ा हुआ है, सरकार उनके साथ खड़ी है, इसके दृष्टिगत ये फ्लैग मार्च करते हैं। थैंक यू। जो जनपद बरेली के आम पब्लिक है, उसके अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस विजिबल, कम्बाइंड पेट्रोलिंग, एक ज्वाइंट पेट्रोलिंग, जिसको आप फ्लैग मार्च भी कह सकते हैं, इसका एक कार्यक्रम आज रखा गया है। जो शहर के व्यस्ततम इलाके हैं, जहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन इलाकों में गश्त की गई है और सभी लोगों से वार्ता करके, उन लोगों से बातचीत करके उनको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस दिया गया है और साथ ही साथ में जो है वो एक विजिबल पेट्रोलिंग के माध्यम से उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मेजर इस्तेमाल किया गया है। इस प्रकार के कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे और त्यौहार के समय पे सभी लोगों को पता रहे कि पुलिस उनके साथ में मौजूद है, इसके लिए इस कार्यक्रम को प्रतिभाग किया गया।